के विकास में हो, गांव के लिए सब अच्छे काम के लिए हो, यही मेरी अपेक्षा रही है। आइए हम झारखंड में ही पलामू चलते हैं। नमस्ते जी, जोहार। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं ग्राम हरभोंगा चैनपुर ब्लॉक जिला पलामू राज्य झारखंड से आई हूँ। सर, हमारे गांव में बिजली 2016 से आई है और हमारे घर में भी 2016 से बिजली लगी है। सर, बिजली नहीं होने की वजह से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आई। जैसे हम लोग को बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, हम लोग खाना नहीं बना पाते थे, खाना बनाने मतलब जाते तो हम लोग का हाथ भी जल जाता और कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता, घर में डांट भी सुनना पड़ता था। इस वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत भी होता था। पहले पहले बिजली नहीं होगी तो बच्चों की शादी भी नहीं होती होगी, लोग गांव में बच्चियां देते नहीं होंगे आपके गांव में? नहीं सर, और हम लोग को मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाता था, किसी से बात भी नहीं होता, अगर कहीं देते भी तो चोरी होने का डर रहता था। लेकिन अब लाइट आ जाने की वजह से सारी दिक्कत दूर हो गई है सर, हम लोग के घर में। अच्छा, और भी कोई है पलामू में बात करना चाहते हैं? प्रणाम सर। नमस्ते जी, मैं चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता, ग्राम सुशीगंज, प्रखंड छतरपुर, जिला पलामू से हूं सर। मेरे गांव में 2016 में बिजली आई है सर, और ऐसी सुविधा मिली है सर जो बरसों पहले मैंने शहरों में देखा करता था, वो सुविधा आज हमारे छोटे से कस्बे, छोटा सा देहात गांव में सुविधा उपलब्ध हो गई सर। गांव में प्रज्ञा केंद्र, इसका उपयोग वहां के कोई काम धंधा, रोजगार, कुछ और काम, ऐसा नई चीज शुरू हुई जिसके कारण लोगों को आर्थिक लाभ हो, ऐसा कुछ शुरू हुआ क्या? बहुत जी सर, वहाँ पर प्रज्ञा केंद्र खुला सर, लोग दुकानें खोले सर, वेल्डिंग की दुकानें चल रही हैं सर, जीरोक्स की दुकानें खुली हैं, जीरोक्स मशीनों की दुकान खुली है सर, कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ पर मिलने लगे हैं सर। प्रज्ञा केंद्र से हम लोग सर बहुत सारे लाभ ले रहे हैं, जाति स्थानीय सारे चीज़ को ऑनलाइन कराने के लिए हमको शहर जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएँ हमें अब गाँव में मिलती है सर। हरे घर शाम होते ही सर दुधिया रोशनी से हमारा गांव जगमगा उठता है सर, अजीब सा परिवर्तन हुआ हमारे गांव में सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई।